अच्छी लगी मूवी बस। ओके, ये जिस टाइप की स्टोरी है उस टाइप की स्टोरी बननी चाहिए या फिर इस टाइप की स्टोरी और भी बननी चाहिए इस टाइप की स्टोरी? एक्चुअली क्या है ना, ये ऐसी स्टोरी ज़्यादा बनती नहीं है। ये एक्चुअली होता है लेकिन ऐसी स्टोरी बनती नहीं है, लेकिन ये एक यूनिक है, मुझे यूनिक लगा। मैंने इससे पहले ऐसी मूवी नहीं देखी तो अच्छा लगा मुझे। मैं इतना बेस्ट पार्ट इस मूवी का, बेस्ट पार्ट जब वो पेड़ के लिए बोलता है लास्ट में, वहाँ पे लगता है कि सही कर रहा है। और इस मूवी से क्या कुछ सीख लेकर जा रहे हो आप, कुछ मैसेज? बहुत जैसे अगर कुछ शेयर करना चाहो। केयरिंग सबसे बड़ी सीख है कि मतलब चाहे आप कितना भी कुछ हो, रिलेशनशिप कैसा भी हो, मतलब अगर ब्लड रिलेशन जो होता है ना, वो अलग ही चीज़ होती है। दूर हो कहीं हो, रिलेशनशिप तो पता ही चलता है कैसे। ओके, आउट ऑफ 5 इसे कितने दो? 5 to 5 देना चाहता हूं। 5 to 5। तो सर आपको मूवी कैसी लगी जब आने जाने? बहुत अच्छी लगी, बहुत इंजॉयिंग थी। क्या अच्छा लगा इस मूवी में? काफ़ी फन था, बार वगैरह के बहुत सारे सीन्स थे एंड सॉन्ग्स में बीट बहुत अच्छा था। परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सैफ अली खान, सैफ अली खान इज़ बेस्ट। ये जो एक्ट्रेस, इसके नाम नहीं जानता बट ये न्यू है, बट ओके बहुत अच्छी थी। बहुत मतलब स्ट्रेट परफॉर्मेंस था, बहुत ही डिसेंट टाइप से चल रही थी, अच्छा था। मतलब कुछ इमोशन सीन भी थे और मज़ा आया। तब्बू में यार कुछ मज़ा नहीं आया उनका, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ड्रग एडिक्ट आ गई बस वो सीन। मतलब अच्छा था लेकिन वो मतलब अलग ही, उनका भी अलग ही मतलब लेवल था, उनका अलग ही सीन था। स्टोरी में कितनी दम लग रही है? स्टोरी उतनी दमदार नहीं है, लेकिन मतलब जिस टाइप से सब कुछ चला है, मतलब स्टार्टिंग के अगर आप इंटरवल के पहले देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअली मतलब मूवी स्टार्ट ही होगी, आप पहले जो गाना होगा उसी में आप देख लोगे ओले ओले डांस। ओके, अगर सैफ अली खान के एक्टिंग के बारे में बताना चाहोगे कि वो एक पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? उसके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने किया एक्चुअली। मतलब एक्चुअली आपको पता नहीं चलेगा वो कोई पिता का रोल कर रहे हैं एक्चुअली। वो मतलब इज़ लाइक अ स्टार्ट। ओके, मतलब बाद में लगेगा जब बच्चा हो जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा ओके अब पिता बन गए, अब मतलब उनमें इमोशंस आ रहे हैं, वरना पहले तो बिल्कुल मतलब जैसे लाइक अ बॉयफ्रेंड के टाइप से अपनी बेटी के साथ हो रहे हैं। ओके, सो इस फिल्म से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस पे खरी उतरी है? बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन सारी पूरी हुई है। ओके, आउट ऑफ 5 स्टार? आउट ऑफ 5, 5। थैंक यू। सो जवानी जाने मन कैसी लगी मूवी? अच्छी है, गुड है, लेकिन नॉट लार्जर देन गुड, बट अच्छी मूवी है, एक बार देख सकते हैं। सैफ अली खान की परफॉर्मेंस अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अलाया फर्नीचरवाला और तब्बू, हाँ वो भी बहुत बढ़िया है। तब्बू का नहीं बोलूँगा क्योंकि उसका ज़्यादा सीन नहीं था। अलाया ने बहुत अच्छा काम किया, अभी न्यू कमर है, पूजा बेदी की बेटी है, बहुत अच्छा, मतलब एक इनोसेंट फेस है उसका, अच्छा लगता है, क्यूट लगती है, बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, स्टोरी से जो एक्सपेक्टेशन थी स्टोरी किसी मूवी का नाम था जवानी जाने मन, तो हम स्टोरी नहीं देख उतना सोच नहीं सकते, जज नहीं कर सकते, जब देखेंगे तो पता चलेगा स्टोरी क्या है क्या नहीं, तो रिवील नहीं करना बेटर है। तो लोग जाए देखे, अपना ओपिनियन बताए तो ज़्यादा। आपको इस स्टोरी में क्या सबसे खास लगा? खास फादर और डॉटर का जो ये था दिखाएगा तो ठीक है, लेकिन उतना नहीं पकड़ पाया जितना चाहिए था। लेकिन अच्छा है, सैफ ने अपना काम अच्छा किया, अलाया ने बहुत बढ़िया काम किया, और तब्बू मैडम का उतना रोल नहीं था, लेकिन ठीक है। ओके, 3.5। जवानी जाने मन आप देख कर आ रहे हैं, सो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है। स्टोरी में कितनी दम लगी, कितना पसंद आया? दम है, न्यू जनरेशन का है, बेसिकली फैमिलीज कनेक्ट करेंगी, न्यू जनरेशन कनेक्ट करेगी इसमें। जिस तरह का रोल निभा रहे हैं सैफ अली खान, एक फादर का और अलाया एक बेटी का, उस रोल के बारे में क्या? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब एक्चुअली कोई रिग्रेट नहीं करेगा, वन टाइम वॉच डेफिनेटली। इसमें सॉन्ग भी है ओले ओले, वो कितना पसंद है? बहुत अच्छा है, बीच बहुत अच्छा है, राइट। ओके, स्टोरी में बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? एंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अनएक्सपेक्टेड। सो ऑडियंस को रिकमेंड करोगे आप? डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी। व्हाट आर 5 स्टार? 4। थैंक यू।
जवानी जाने मन, कैसी लगी मूवी? मूवी के टाइटल से ही थोड़े लोगों को जो है मतलब एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि मूवी में क्या दिखाने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मूवी देखा जाए तो वही उसी टॉपिक पे है कि जब आप जवान रहते हो तो आपकी लाइफ कैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा हट के है सैफ अली खान की एज के हिसाब से जो वहाँ पे रखा गया ट्रैक कि आपकी उम्र 35 क्रॉस कर चुकी है लेकिन आपकी जवानी जा नहीं रही है, वन नाइट स्टैंड जो आपका कंटिन्यू जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी कि जैसे ही आप मतलब स्टार्ट होना चाहते हो और तभी आ जाता है कि 33.33% चांसेस है दैट यू आर माय फादर, इट्स हॉरिबल मैन। आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसे कैसा लगा? एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी लेकिन ट्रेलर देख के ही समझ में आ गया था कि उनके जैसी मूवी होती है, लाइट हार्टेड मूवी होती है ना, उसी टाइप की मूवी रहेगी। सोचा था स्टोरी थोड़ा ज़्यादा मतलब कुछ अलग रहेगा, कुछ हट के रहेगा, लेकिन जैसी मूवी स्टार्ट होती है 20 मिनट्स के बाद में आप ये बोल सकते हो कि अगला सीन क्या है, अगला डायलॉग क्या है, मूवी का क्लाइमैक्स क्या होगा। क्लाइमैक्स लेकिन थोड़ा अच्छा है। ओके, सैफ अली खान फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और अलाया फर्नीचर वाला ये बेटी का, सो वो कितना जस्टिस कर रहा है? मेरे हिसाब से जस्टिस पूरी तरीके से किए हैं क्योंकि उनकी रियल लाइफ और ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता सा है। इट्स लाइक अमृता सिंह, सारा अली खान एंड सैफ अली खान, इट्स लुक अलाइक टाइप है स्टोरी, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज हो गया है। बेस्ट पार्ट ये रहेगा अगर पूरी मूवी को एंजॉय नहीं भी कर पाए, क्लाइमैक्स को थोड़ा एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि आपने हमेशा हिंदी फिल्म में देखा है कि एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा होता फॉर द मैरी फॉर द वैलेंटाइन ये बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कि कोई प्रपोज कर रहा है अपनी बेटी को कि बॉस प्लीज़ कम बैक इन माय लाइफ एंड आई वांट यू। इस तरह की स्टोरी ऑडियंस को पसंद आएगी और बननी चाहिए। देखो ये है मल्टीप्लेक्स के लिए बनी हुई मूवी, जो भी सिंगल स्क्रीन वाले ऑडियंस होते हैं ना वो इन्जॉय बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और रहेगी, खास करके तानाजी में जो उन्होंने रोल प्ले किया है उसके बाद से एक्सपेक्टेशन अलग हो जाती है। लेकिन जो भी देखा जाए इस हफ्ते में कोई मूवी है ही नहीं है, आसपास में एक है हैप्पी हीर हार्डी, तो उसके साथ में देखा जाए तो बज़ में तो यही रहने वाला बिकॉज ऑफ खान, तो उतना पसंद नहीं आएगा। लेकिन हाँ मल्टीप्लेक्स के ऑडियंस के लिए एकदम मौसम है, इन्जॉय कर पाएंगे। मैं देख रहा था ऑडियंस जो है हंस रही थी, सेकंड पार्ट में काफ़ी हंस रही थी, फर्स्ट पार्ट थोड़ा स्लो था। तो सॉन्ग्स एंड ओवरऑल कैसी लगी? सॉन्ग्स के लिए बस एक ही चीज़ है यार, अगर ओले ओले के लिए अगर आप जा रहे हो सिर्फ इस मूवी को ओले ओले के लिए देखने जा रहे हो तो प्लीज़ यार टाइम पे पहुंचना वरना मिस कर दोगे गाना। आउट ऑफ 5 इट विल बी 2.5, दैट्स इट, क्योंकि उतना एक्सपेक्टेशन पे पूरे तरह से खरा नहीं उतर पाता है, जस्ट टाइम पास टाइप की मूवी बोल सकते हैं इसको। या सो सर अभी जवानी जाने मन देखकर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छी लगी। अच्छी लगी। स्टोरी में कितनी दम लगी, कितना पसंद आया आपको? एक फादर और डॉटर की रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बताया है, जो उनकी बॉन्डिंग है उसके बारे में ये मूवी है। और बहुत अच्छे से पहले हमने पूजा भट्ट और अनुपम खेर की मूवी देखी थी डैडी, उसकी स्टोरी अलग थी बट इट वाज अबाउट बॉन्डिंग बिटवीन अ फादर एंड डॉटर, और ये मूवी में भी वही दिखाया गया है। और बहुत ही संजीदा और बहुत ही टचिंग और बहुत ही इमोशनल हार्ट वार्मिंग मूवी है। अलाया फर्नीचर वाला इज़ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी प्रॉमिसिंग, डजंट सीम लाइक इट्स अ फर्स्ट मूवी, पहली बार वो पर्दे पर आई और ऐसा लगा कि पहले बहुत बार आ चुकी हैं। बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, और आई एम श्योर पूजा बेदी विल बी प्राउड ऑफ हर। और अलाया फर्नीचर वाला के साथ सैफ अली खान है जो क्लासी रोल्स के लिए जाने जाते हैं, जो भी अब उठा के देख लिए अपार्ट फ्रॉम ताना जी जिनके लिए उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया नेगेटिव रोल के लिए, और उससे पहले ओमकारा, उसके अलावा आप कोई भी मूवी उठा लीजिए लव का आजकल कोई भी, ये दिल लगी हर जगह वो एक बहुत ही क्लासी रोल प्ले करते हैं एंड ही इज़ वेरी गुड। आई थिंक माउथ ऑफ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से लोग अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि जो फादर और डॉटर का जो बॉन्डिंग दिखाया गया वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। टब्बू के परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताएंगे? वो कितना टब्बू आई और चली गई पता ही नहीं चला, उनका छोटा सा रोल था बट शी इज़ एफर्टलेस एज ऑलवेज। बट जो मेन मूवी के फादर और डॉटर की केमिस्ट्री है बिटवीन द कैमेड्री बिटवीन सैफ अली खान अलाया दैट इज़ सो गुड, डजंट सीम लाइक इट्स द फर्स्ट मूवी, ऐसे लगा कि द वे दे जेल टुगेदर। इट्स फॉर निश ऑडियंस, इट्स नॉट अ मास एंटरटेनर, हालांकि म्यूजिक में कुछ रिमिक्स सॉन्ग्स हैं जो लोगों को पसंद आएंगे बट अगेन इट्स फॉर निश ऑडियंस। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई तो लोग जाके यू नो, हालांकि एक प्लस पॉइंट है कि इस एडिटिंग है, 2 घंटे की मूवी है, कहीं भी मूवी को ड्रैग नहीं किया, दैट्स द प्लस पॉइंट। बट अदरवाइज मूवी कब खत्म होगी, कब शुरू होगी, खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और डायरेक्शन भी अच्छा है नितिन कक्कर का, इट हैज़ बीन शॉट अब्रॉड, म्यूज़िक अच्छा है और स्टोरी भी अच्छी है, बट यही है कि रोमांस से ज़्यादा बॉन्डिंग है, सो वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है फादर डॉटर की। ओके,
ऑडियंस को कितना एंटरटेन कर पाएगी? कर पाएगी, कॉमेडी है और बीच में की कुशादा का बहुत अच्छा रोल है छोटा सा, फरीदा जलाल और कुमुद मिश्रा जितने भी कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनके भी रोल्स अच्छे हैं, बट सैफ अली खान एंड अलाया दे बोथ आर अमेजिंग। आई विल गिव 3 स्टार्स बिकॉज इसको और ये सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, बट स्टिल 3 स्टार्स। जाने मन कैसी लगी मूवी? फिल्म अच्छी है, फिल्म का थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मॉडर्न है बहुत ज़्यादा, तो उसको देखना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, कि बेसिकली वो समझाना क्या चाह रहे हैं फिल्म से। सैफ अली खान और अलाया फर्नीचर का काम कैसा है? सैफ अली खान का तो जो है थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा कॉमेडी है, थोड़ा करते हैं ड्रामा करते हैं अपनी एक्टिंग में, तो अच्छा दिखाया है। और अलाइफ जो है उनकी पहली फिल्म है तो लग नहीं रहा था कि पहली फिल्म है, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, एक्सप्रेशन अच्छे दिए और कैरेक्टर को समझा और समझाने की कोशिश अच्छे से की है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, तो अच्छा है। तब्बू? तब्बू का काम जितना है उतना अच्छा है फिल्म में, अच्छा लगा। हाँ, स्टोरी कितनी पसंद आई? स्टोरी तो नॉर्मल बेसिक है, पर ठीक है, वन टाइम देखने के लिए अच्छी है फिल्म। कितनी एंटरटेनिंग लगी ये मूवी? एंटरटेनिंग तो है, हाफ तक तो अच्छी है, फिर थोड़ा स्लो हो जाती है, पर लास्ट में पिकअप फिर होता है फिल्म। ओके, सॉन्ग्स ये सब पसंद है? हाँ, जिन्हें मेरा दिल लुटे और ओले ओले। अच्छा, अगर एक दो लाइन गा दो तो? अभी पुराने वाले पैटर्न पे गा पाऊंगा, नए वाले में तो बहुत म्यूजिक है, तो यही था कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। इसमें तनिक बख्शी ने क्रिएट किया है, इसका म्यूजिक तो बहुत हाई है और साउंड अच्छा कर रहा है, तो बस ये। 3 and 5।